कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की चर्चा शुरू है। इस लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चे प्रभावित न हो, इसलिए बच्चों का वैक्सीन ट्रायल शहर के मेडिटेना अस्पताल में किया जाएगा। ऐसी जानकारी पत्र परिषद के दौरान डॉक्टर वसंत खलतकर द्वारा दी गई है। नमस्ते, मैं डॉक्टर वसंत खलतकर बाल रोग तज्ञ हूँ नागपुर से। आज आप सभी को मालूम है कि कोरोना की क्या स्थिति है। कोरोना से बहुत सारी डेथ हो रही, बहुत हवा मचा दिया है और ये सबको मालूम है कि फर्स्ट वेव चली गई, सेकंड गई, अभी थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है। ये सब लोगों को ये भी मालूम है कि थर्ड वेव में मैक्सिमम बच्चे इन्वॉल्व होने वाले हैं। ये एक प्रेडिक्शन है, होता नहीं होता वो मालूम नहीं, पर प्रेडिक्शन जो लास्ट टाइम किया था कि एडल्ट्स में ज़्यादा आएगा सेकंड वेव में, वो सही निकला। इसलिए अपने को ये प्रेडिक्शन को सच मानना चाहिए और इसको प्रिवेंशन कैसा करना चाहिए, इसको फेस कैसा करना चाहिए, ये अपने को तैयारी करके रखना है। जैसे अपने को हॉस्पिटल्स तैयार करना है, बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स तैयार करना है, पूरी करना है, उसी का एक भाग है ये वैक्सीनेशन। आपने ये देखा होगा कि अभी जिन लोगों को वैक्सीन मिले हैं उसमें से 90% लोगों को डिसीज भी हुआ कोरोना, तो भी उनके साइन सिम्टम्स कम रहे, वो सीरियस नहीं हुए और अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिला है। इसी मुद्दे को लेके भारत बायोटेक, नेशनल वायरल इंस्टीट्यूट और ICMR, ये तीनों ने मिलके विद गवर्नमेंट ये स्टडी आयोजित की है, जिसको बोलेंगे फेज 3 का फर्स्ट पार्ट। तो ये स्टडी है कोवैक्सीन नाम का, जो वैक्सीन है उसकी बच्चों के ऊपर किया जाता है। अभी इसमें कौन सा एज ग्रुप इन्वॉल्व है, इसमें 2 से 18 साल तक के बच्चे, जो कि बेसिकली पीडियाट्रिक एज ग्रुप रहता है 0 to 18 ईयर, पर इसमें से 2 साल के अंदर के बच्चों को होने के चांसेस कम रहते हैं, इसलिए 2 years to 18 years का ग्रुप सिलेक्ट किया है। इसमें 3 ग्रुप होने वाले, फर्स्ट ग्रुप 2 से 6 साल तक का है, दूसरा ग्रुप जो है 6 से 12 साल तक का है और तीसरा ग्रुप है 12 से 18 साल का। ऐसे स्टडी पर्पज से 3 ग्रुप तैयार किए हैं। हर ग्रुप में 175 बच्चे ऑल ओवर इंडिया, ऐसे टोटल तीनों ग्रुप के मिलके 525 बच्चे लिए जाएंगे। ये स्टडी कहाँ कहाँ होने जा रही है, एक एम्स पटना नोएडा में एक सेंटर में, तीसरा नीलोफर हैदराबाद और नागपुर में मेडिटेन इंस्टीट्यूट में ये स्टडी होने जा रही है। ऐसे 4 सेंटर है कि जिसमें टोटल 525 बच्चों के ऊपर ये स्टडी करना है।